और अब खबरें विस्तार से। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है और बताना चाहेंगे कि दिल्ली के प्रगति मैदान में इस बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। वहीं सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 6 राज्यों के सीएम ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया है और फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है तो तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें कौशल विकास मुख्य मुद्दा है और 2047 तक भारत को विकसित किया जाए ये भी एक मुख्य एजेंडा है। तो सूक्ष्म लघु उद्योग पर भी जोर दिया जा रहा है और आत्मनिर्भरता पर भी जोर है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हैं। तो अनूप, जिस तरह से नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक हो रही है पीएम मोदी की अध्यक्षता में, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, आज देश के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, खासकर इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। हालांकि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक है जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों से अपडेट लिया जाएगा, क्योंकि लक्ष्य रखा गया है 2047 तक भारत जो विकासशील की परिधि से विकसित के परिधि में चला जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए हैं वो खासकर निवेश की बात करें, निवेश भी रखा जाएगा। स्वास्थ्य पोषण की बात करें वो भी इस बैठक का एक बड़ा मुद्दा है। निवेश के साथ साथ जो हालात उत्तर प्रदेश के खासकर अगर बात करें तो स्वास्थ्य के साथ साथ तमाम और भी चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एमएसएमई की बात करें या आत्मनिर्भरता की बात करें, ये सब तमाम विषयों पर इसमें चर्चा होने वाली है। और खासकर जब देश की विकास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरीके से एक यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी नीति आयोग की, उसके बाद आपने देखा था किस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने को लेकर, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। उस पर लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको धरातल पर उतारने को लेकर लगातार प्रयास चल रहा है। तो एक बार फिर देश की जब विकास की बात हो रही है, यहाँ पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर सबको बुलाया गया था इस बैठक में। तमाम जो विषयों पर चर्चा होने के बाद क्या कुछ प्रदेशों में क्या कुछ दिक्कतें हैं, किन योजनाओं को लेकर काम चल रहा है, आगे किस तरीके से काम करना है कि 2047 तक भारत विकसित हो जाए, इन सब चीजों को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री अपनी बात तो कहेंगे ही, क्योंकि राज्यों में क्या हालात हैं, क्या कमियां हैं और किस तरीके से और बेहतर होना चाहिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार से तालमेल कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों को भी इस मामले पर मुख्यमंत्री सभी राज्यों के अपडेट देंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर उससे चर्चा करेंगे और अपनी भी बातें उनको कहेंगे किस तरीके से काम करना है 2047 तक, किन योजनाओं को और साधने की जरूरत है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, आत्मनिर्भरता लोगों में बढ़े। अभी हालांकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम जो राज्य हैं, खासकर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड एक पहले से बेहतर जिस तरीके से तमाम परियोजनाओं को चलाया है, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी परियोजना है जो देश में नंबर 1 परियोजनाएं हैं। तो ये हालात कहीं ना कहीं सभी राज्यों के अगर इस तरीके से होंगे तो मुझे लगता है जो संकल्प रखा जाएगा इस मीटिंग का, जो माध्यम है 2047 तक भारत विकसित हो, ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल भी नहीं होगा। अगर आत्म इच्छा हो, आत्मनिर्भरता हो, एक स्वावलंबी बनने की इच्छा हो, तो लोगों के अंदर जागरूकता हो, इन सब चीजों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, स्वास्थ्य जो की भौगोलिक स्थिति है, स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा सवाल या निशान पर रहती हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या फिर किसी भी राज्य की अगर बात करें, तो इन सब चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री क्या कुछ उसमें दिशा निर्देश देते हैं, क्या कुछ बैठक में निष्कर्ष निकल के आएगा कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है 2047 तक, क्या क्या कमियां हैं अभी देश में, किन किन कमियों पर ज्यादा काम करना है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुख्यमंत्रियों को भी और प्रधानमंत्रियों को भी, तो इस वजह से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में हालांकि जानकारी मिली कि 6 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें नहीं पहुंच पा रहे हैं, खासकर ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, उसमें चर्चाओं में देखा जा रहा था कि ममता बनर्जी उस मामले पर
नहीं पहुंच रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है विकास की जब बात करें, देश के उठने की बात करें, देश के विकसित होने की बात करें, देश को विकासशील से विकसित पर पायदान पे पहुंचाने की बात करें, तो मुझे लगता है इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी मुख्यमंत्रियों के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको इस बैठक में हिस्सा लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एक आयरन लेडी हैं, वो चुनाव प्रचार में ठीक है। अनुप सुनेंगे आपको, ठीक है अनुप सुनेंगे आपको, लेकिन देहरादून से यशराज आनंद भी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो यश, आपसे भी जानना चाहेंगे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं इस बैठक में, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसके मद्देनजर ये बैठक कितनी ज्यादा खास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में प्रतिभाग करने के लिए पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि G20 के बाद लगातार इस बैठक में प्रतिभाग करने का अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया जा रहा था बैठक। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उत्तराखंड के विकास के लिए यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि लगातार उत्तराखंड अपना 2025 में अपना 25वां दशक मनाएगा, तो इसके साथ ही यह लगता है कि जरूर इसके विकास में ध्यान दिया जाएगा। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बोल रहे हैं कि जब रजत जयंती मनाई जाएगी तो इस दशक में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में आएगा। तो इसी को देखते हुए इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया जाएगा, जैसे चार धाम की यात्रा को लेकर जो यात्रा चल रही है इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा, वहीं ट्रेन सड़क सुविधा को लेकर भी निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि ट्रेनों के यहाँ पर विकास की भी बातें हो रही है और ट्रेन के यहाँ पर प्लेटफॉर्म रेलवे पटरी भी लगातार यहाँ पर बैठाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड सबसे पर्यटक स्थल है, तो इसी ये देखते हुए यहाँ पर पर्यटकों के सुविधा के भी और विकास के लिए भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरीके से यह माना जा रहा है कि यह बैठक काफी अहम रहेगा और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा था कि इस बैठक के बाद वो जरूर यहाँ पर उत्तराखंड के विकास के लिए और भी कई नई योजनाओं को लाएंगे। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यह बैठक पूर्ण रूप से उत्तराखंड के विकास को समर्पित होगा और इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलेंगे, तो वहां पर भी वो अपनी अपने राज्य के बारे में कुछ विशेष रखेंगे कि कुछ प्रस्ताव रखेंगे जिस पर मुहर लग सकती है। तो अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक के बाद जो वापस उत्तराखंड लौटते हैं तो वो क्या सौगात लेकर उत्तराखंड को, उत्तराखंड के नागरिकों को क्या सौगात देते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन उत्तराखंड वासियों को भी यहाँ से इस बैठक से काफी जुड़ाव है, काफी लगाव है कि क्या हो सकता है इस बैठक में, वो इसको जिसे में जानने को बिल्कुल आतुर है। तो यह जानकारी बाद में ही मिलेगी बैठक के बाद कि किन नए पैसों का सौगात उत्तराखंड को मिला। जी ठीक है यशराज, तो आपकी तमाम बातों को हमने सुना। अनुप, जिस तरह से आपने भी यशराज की तमाम बातों को सुना है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विकास के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं, तो क्या लगता है कि सीएम योगी भी उस बैठक में शामिल हुए हैं, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए, आज बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश लगातार विकास को लेकर, आर्थिक स्थिति मजबूत करने को लेकर, अभी आपने देखा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2023 का आयोजन हुआ था जिसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था, देश विदेश से तमाम कंपनियां उत्तर प्रदेश में आकर निवेश के लिए जो समझौते हुए थे, और हालांकि धरातल पर धीरे धीरे उतर रहे हैं, लेकिन तमाम अभी अभी ऐसी जो चीजें हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अभी दुरुस्त करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम देश ऐसे हैं उनमें भी इस तरीके से व्यवस्थाएं की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये सब इस बैठक में चर्चाएं होंगी, चर्चाओं में क्या कुछ निकल के आता है, क्या उत्तर प्रदेश। ठीक है अनूप, तो दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में विकास की दृष्टि से ये जो बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त चल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त सामने। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, कई जिलों में आज नवनिर्वाचित मेयर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है और मेयर पार्षद आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कानपुर, गोरखपुर और बरेली के मेयर आज शपथ लेंगे। वहीं गाजियाबाद, आगरा और अयोध्या में भी आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। नगर पालिका, नगर पंचायतों में भी आज शपथ ग्रहण की जाएगी। सभी को पद गोपनीयता की आज शपथ दिलाई जाएगी। पीलीभीत, रायबरेली समेत कई जिलों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होता हुआ नजर आएगा।
इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आप बता दें, अखिलेश यादव का आज गोरखपुर दौरा है। तो गोरखपुर दौरे पर जाने वाले अखिलेश और पूर्व विधायक शारदा देवी के घर जाएंगे अखिलेश यादव, तो शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे अखिलेश। और आपको बताना चाहेंगे कि पति के निधन के बाद शोक संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव गोरखपुर। तो गोरखपुर दौरे पर हैं आज अखिलेश यादव और पूर्व विधायक शारदा देवी के घर पहुंचते हुए नजर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, और शोक संवेदनाएं भी व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। आजम खां के लिए सपा ने मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, 3 सांसद 11 विधायक मुरादाबाद जाएंगे और कमिश्नर एके सिंह से मिलेगा डेलीगेशन। तो 21 नेताओं के डेलीगेशन में 14 सांसद विधायक भी शामिल हैं, और सपा ने आजम खां की लड़ाई तेज कर दी है और कमिश्नर से मांग होगी डीएम पर एक्शन लें। तो आजम खां के लिए सपा ने मोर्चा खोला हुआ है। वहीं 3 सांसद और 11 विधायकों का डेलीगेशन मुरादाबाद पहुंचता हुआ दिखाई देगा आज। वहीं कमिश्नर एके सिंह से मुलाकात करेगा ये डेलीगेशन। 21 नेताओं के डेलीगेशन में 14 सांसद विधायक मौजूद रहेंगे और सपा ने आजम खां की लड़ाई को तेज कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है और मौसम साफ होने के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बताना चाहेंगे कि लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी होने से 2 दिन से यात्रा बंद थी और मौसम साफ होने के बाद अब 1700 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गए हैं।